तो मैं अपनी हर वीडियो में एक बात जरूर बोलता हूँ, जब सलमान भाई की चलेगी ना तो सबकी जलेगी, और जब सबकी जलने लगे तो समझ लेना सलमान भाई ने जबरदस्त मिर्ची लगाई है यार। ठीक है, सलमान भाई ने कल एक पोस्टर रिलीज किया टाइगर 3 का, तो उसको लेके लोगों के अंदर ट्रोल करने की इच्छाएं उमड़ पड़ी है इमरजेंसी में। मतलब ट्रोल करना है तो करना है, कुछ नहीं तो पोस्टर करना है। अब फैन मैड पोस्टर है ये वो, मतलब तमाम बातें आने लगी कि पोस्टर देखकर मजा नहीं आया, ये इतनी बड़ी इवेंट की फिल्म है उसके बाद आप ऐसा पोस्टर लॉन्च किए। मेरा कहने का मतलब भाई, तेरे वो क्या पड़ी है, जब तुझे नहीं समझ में आ रहा है तुझे क्यों उसके अंदर घुसना है, तुझे नहीं पसंद आया तो जाने दे, काहे टेंशन ले रहा है। हम लोग उससे सेटिस्फाई हैं कि भाई ने कंफर्म कर दिया दिवाली पे आ रहे हैं, हमें पोस्टर थोड़ी देखना है, हमें फिल्म देखना है, काहे इतना टेंशन ले रहा हो। दूसरी बात एक चीज में बताऊं, तुम्हारी पठान हिट हुई ब्लॉकबस्टर हुई, हम लोगों को खुशी है, कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों ने फिल्म देखी। गदर 2 ब्लॉकबस्टर हुई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जवान रिलीज होने वाली, वो भी हम देखने जाएंगे 100% है। टाइगर 3 आई, तुम लोग को मिर्ची क्यों लग रही है यार? सबसे बड़ी दिक्कत मुझे इस बात की है, सलमान भाई की कोई फिल्म आती है आप लोग को प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो मैं अगर कुछ बोल देता हूं तो आपको लगता है कि यार नहीं आपने इनके बारे में क्यों बोल दिया। क्यों देख भाई, तुझे मैं पहली बात बता दूं, मैं पूरे यूट्यूब पर सबसे छोटा यूट्यूबर हूं, बहुत छोटा, मुझसे छोटा कोई नहीं है। ठीक है, ये मैं मानता हूं, मैं एक्सेप्ट करता हूं, मेरे वीडियोस कोई नहीं देखता, बहुत कम लोग देखते हैं, ये भी मैं मानता हूं। ठीक है, लेकिन जो बोलता हूं फैक्ट बोलता हूं। अब मैंने एक वीडियो कल जो अपलोड की उस पर कई लोग ऐसे ऐसे कमेंट करने लगे कि देख ये तेरी वीडियो तूने की है, तूने SRK के बारे में ऐसा बोल दिया तो समझ ले ये तेरी आखिरी वीडियो होगी, तू अपना समझ के बोल, आने वाले कल में तेरे लिए बहुत भारी पड़ेगा, मतलब तमाम चीजें। तो भाई साहब भारी क्या पड़ेगा मेरे ऊपर ये बताओ, सबसे बड़ा भारी पड़ेगा ये कि आप जो वीडियो मेरे देखने आए थे आप नहीं देखोगे, अनसब्सक्राइब कर दोगे। तो जो बात फैक्ट है भाई वो मैं बोलूंगा जरूर, और मैं किसी के स्टार को गिरा के नहीं व्यूज नहीं पाता। अगर मैं किसी स्टार को गिरा के व्यूज पाऊं ना तो बहुत जबरदस्त मेरे व्यूज जाए, बस मुझे झूठ बोलना है और हर स्टार को गिराना है, तो जाहिर सी बात है मेरी वीडियो चलेगी, वो बात अलग है। नीचे कमेंट में बहुत सी गालियां हैं, लेकिन 2-4 लोगों के मेरे कमेंट पाते, बाकी जितने भाई लोग हैं मुझे इतना प्यार करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच। और दूसरी बात, मैंने क्या उस वक्त गलत बोली थी, मैं तो बहुत छोटा हूं, लेकिन फिल्मी इंडियन जो दीक्षा शर्मा है जिसपे मिलियंस के व्यूज आते हैं, उन्होंने खुद ये कल के वीडियो में बोला है कि मास महाराजा ओनली फॉर सलमान खान, और पठान जो ब्लॉकबस्टर हुई है उसमें सलमान खान का मेन रोल था। उनको भी जाके कमेंट करो यार, उनको भी गाली बक्को, जो बात फैक्ट है उसको सुना करो। मैं पहली बार बता दूं, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा, मैं उन उच्च प्राणियों को बोल रहा हूं जो थोड़े से हैं, जो फालतू में चिल्लाते हैं, मैं उनको बोल दूं, पहली बात तो मेरी पहली पूरी वीडियो तुम लोग देखते हो नहीं, एक छोटा सा पॉइंट पकड़ लिए उस पॉइंट पे चिल्लाने लगे, ये तो वही बात हो गई कौवा कान ले गया, ये नहीं देखा कि कान है कि नहीं है, चिल्ला के दौड़ पड़े, वो बेवकूफ तुम लोग हो, पूरी बात सुनते नहीं कि एक्चुअली बात क्या है। और रही बात तुम लोग जो हर वक्त ये बात बोल रहे हो टाइगर 3 फ्लॉप होगी, अपने अपने वीडियो बना के टाइगर 3 ये हो जाएगी, टाइगर 3 उसका रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाएगी, ये नहीं कर पाएगी, ऐसा मैं बोल रहा हूँ टाइगर 3 100 करोड़ भी नहीं कमा पाएगी, अब बताओ। लेकिन एक चीज तुमको मैं बता दूं, सलमान खान के फैन के लिए सलमान खान की फिल्म नहीं सेलिब्रेशन होता है, और वो सेलिब्रेशन की तरह देखते हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो कितना रिकॉर्ड बनाएंगे कितना रिकॉर्ड नहीं बनाएंगे, सलमान भाई की फिल्म आती रहे और उसको उनके फैन एंजॉय करें, ये उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तुम लोगों के लिए रिकॉर्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, तुम लोग अपने रिकॉर्ड अपने पास रखो, ठीक है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, और कौन कितने पानी में ये दुनिया जानती है। और सलमान शाहरुख के बारे में हम लोग बहस क्यों कर रहे हैं, हम लोग छोटे से इंसान है यार, वो लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग कौन होते हैं उनको जज करने वाले यार। एक मोहब्बत एक प्यार है, अपनी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, तुम्हें तुम्हारा फेवरेट हमारा फेवरेट है, उसमें घुसने क्या जरूरत है यार, कोई जरूरत नहीं है किसी घुसने की। एक छोटे से कमरे में बैठ के लेक्चर दे रहे हो, जो वो भी सलमान शाहरुख के बारे में, आइकॉन स्टार है वो सब, समझ रहे हो, हमारे तुम्हारे क्लिफिकेशन की जरूरत उनको नहीं। पैदा होकर हम सब पे एहसान करने वाले इंसान, इधर सुनो, मैंने पठान के बारे में जो बोला ना वो फैक्ट बोला था, मैंने शाहरुख खान को गिरा के नहीं बोला है, जो बात मैंने बोली वही बात कल की वीडियो में उन्होंने भी बोली है दीक्षा शर्मा ने, मैंने गिरा के शाहरुख खान की बात को नहीं की, और जबकि शाहरुख खान के लिए मैं सबसे बेस्ट वीडियो थी। एक चीज में बता, सलमान खान को लेकर तुम लोग इतना जलते हो, इतना तुम लोग की तपती है, तो एक बार मैं बताऊं, करण अर्जुन मूवी सबने देखी होगी, 100% जेम श्योर की सबने देखी होगी, है ना, उस फिल्म के अंदर सलमान भाई अपने जो है 4 बार शाहरुख खान को बचाते हैं, वो सीन देखकर तो आपके अंदर लिटरली गूज़बम्प तो जरूर आए होंगे तो सच सच बताना। अब आप सोचोगे 4 बार कहां, जब वो एक तो फर्स्ट चांस जब दुर्जन सिंह सबको मारते हैं, सलमान खान एंड शाहरुख खान को मारते हैं, और वहां पे सल्लू भाई अपने आगे आ जाते हैं और कहते हैं भाग अर्जुन भाग,
और वहां पे पहली बार सलमान खान बचाने आते हैं, वो बात अलग है, शाहरुख खान भी वापस आते हैं सलमान खान के लिए, लेकिन स्टार्टिंग सलमान खान करते हैं, पहली चीज। दूसरी वो सीन है याद होगी जब पार्टी में होता रहता है, लड़ाई जब होती रहती है शाहरुख खान सलमान के बीच में, फिर वो रंजीत साहब जो है बंदूक लेके आते हैं शाहरुख खान को मारने के लिए, फिर सलमान खान बीच में आते हैं, कहते हैं भाग अर्जुन भाग, उधर अर्जुन जो है कल्टी हो जाता है, वहां पे भी सलमान भाई बजाते हैं, वहां भी गूज बम जरूर आते होंगे, आए होंगे 100%, क्योंकि वो सीन बड़ी लाजवाब थी। शमशेर राणा जब मारते रहते हैं अर्जुन साहब को, तो उस वक्त करण मतलब सलमान खान फिर आते हैं और बोलते हैं अर्जुन और कह के मारते हुए पंच, तो वहां भी गूज बम जरूर आएंगे, क्योंकि उसी के बाद सॉन्ग होता है भंगड़ा पाले, जबरदस्त सीन थी वो भी। और लास्ट सिचुएशन में सोनिया मैडम अर्जुन को फंसा देती हैं, तो अमरीश पुरी चारों तरफ से अर्जुन को घेर लेते हैं, फिर वहां पे अपने सलमान भाई पहुंचते हैं उनको बचाने के लिए, और फिर वहां से शाहरुख खान फिर कल्टी हो जाते हैं। ये सब सीन देख के गूज़बम जरूर आए होंगे सलमान खान को देख के, है कि नहीं? अब बात आप दिल में रखो, लेकिन है ये 100% श्योर है। बहरहाल एक चीज मैं बता दूं, मैंने आज तक जो भी फिल्मों के रिव्यू जिसी भी एक्टर के, चाहे रणबीर कपूर हो, आयुष्मान खुराना, रणबीर सिंह, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, सनी पाजी, कोई की फिल्म का रिव्यू मैंने जितनी भी फिल्मों का किया है, फैक्ट रिव्यू किया है और उनके बारे में अच्छा ही बोला है, चेक कर लो जाके रिव्यू। सलमान भाई को मैं पसंद करता हूँ इसका मतलब नहीं मैं और एक्टर को गिराता हूँ, लेकिन जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है। सलमान भाई का जो सॉन्ग आया था नहीं हो लगता, सो सबसे पहले मैंने ही सलमान भाई के ऊपर गलत कमेंट किए थे कि ये कौन सा मजाक भाई ने बनाया, मैंने ही पहले ही ट्रोल किया था, आप जाके वो भी वीडियो मेरी पड़ी हुई भी कि भाई ये कौन सा स्टेप आपने निकाल दिया, ट्रोलर्स को हंसने का मौका दे दिया। लेकिन जब दो दिन बाद मुझे लगा कि सब लोग सलमान भाई के पीछे पड़े हो, तब मैंने उनके बारे में फिर बोला है कि भाई जो कर दे वो ट्रेंडिंग हो जाता है, ये है भाई का पावर, क्योंकि सबसे ज्यादा रील उसी पे बने, नहीं हो लगता उसी स्टेप पर। सलमान भाई वो स्टार है ना जो छोटी भी चीज को हाथ लगाए ना, तो वो रातों रात वो चीज ट्रेंडिंग हो जाती है। ये भाई का ऑरा, ये भाई का स्टारडम है, मेगा स्टार सलमान खान को ऐसे नहीं कहा जाता है। टाइगर 3 के बारे में तुम लोग जितनी भी निगेटिव फैलानी है फैला लो यार, लेकिन घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोगों को, कुछ भी, एक वीडियो नहीं 10 वीडियो 100 वीडियो 1000 वीडियो बनाओ और सलमान खान को ट्रोल करते रहो, कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम सलमान खान का यार, कुछ भी नहीं, करते रहो अपने मनमानी। और हम वो नहीं है, हम सलमान खान के फैन हैं, हम किसी के बारे में बुरा नहीं चाहते हैं ना बुरा बोलते हैं, क्योंकि सलमान खान की तरह हम लोग भी हैं, हम हर एक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं और एक्टर की बात अच्छी करते हैं। ये नहीं कि हम लोग को जेलेसी है कि शाहरुख खान से जेलेसी हो या फिर किसी भी एक्टर को लेकर जेलेसी हो, कोई भी नहीं है, जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट करेंगे 100%। और अपना भाई क्या है, कहां मुकाम रखता है, ये हम लोग को पता है, हम लोग को बताने की चिल्लाने की जरूरत ही नहीं है। पर कुछ सलमान खान के फैन ऐसे भी हैं जो फालतू में जाके तुम लोगों से बहस कर लेते हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो इंसान जो बीमार है उसके लिए दुआ करिए सिर्फ, जो सलमान खान के खिलाफ फालतू बोले ना, तो बस ये सोच लो कि वो बीमार इंसान है, उसके लिए दुआ की जाए कि वो उसको ऊपर वाला शिफा दे, ठीक है। और टाइगर आ रहा है दिवाली में, सबका बाप, ये तो हम हर वक्त बोलेंगे, क्योंकि भाई से ही तो बॉलीवुड है यार, वरना बॉलीवुड कब का खत्म हो गया था, अकेले टाइगर ने अपने बल पे उठाया है, क्या बोलती पब्लिक। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।